एमएस वर्ड में व्यू मेन्यू होता है। इसमें चार कमांड होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कमांड अपने आता है रूलर, दूसरा कमांड आएगा जूम, तीसरा कमांड अपने आएगा फुल स्क्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड इसमें होते हैं वो होता है हेडर एंड फूटर। ये नॉर्मली चार कमांड सबसे ज्यादा यूज आते हैं व्यू मेन्यू में, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन रूलर के बारे में चर्चा करेंगे। रूलर क्या है? रूलर, अगर हमारे एमएस वर्ड के पेज की स्क्रीन पर रूलर, ये रूलर पेज के ऊपर नहीं आ रहा है तो अपन इसको वापस मतलब रूलर को लेके कैसे आएंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रूलर लाने के लिए व्यू मेन्यू में अपन जाएंगे। व्यू मेन्यू में जाके अपन रूलर पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे एमएस वर्ड के पेज के ऊपर रूलर आ जाएगा। रूलर क्या होता है एक्चुअल में? रूलर होता है कि अपने जो एमएस वर्ड का पेज है ये इस पेज के ऊपर की तरफ और इस साइड की तरफ स्केल बनी हुई होती है जो कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे इस तरफ होती है। इस स्केल का काम ये होता है कि इससे अपन पेज की साइज को थोड़ा बड़ा या घटा सकते हैं, पेज को सेट कर सकते हैं। इस प्रकार ये इसको अपन रूलर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड कमांड इसका अपन लेते हैं जूम। नॉर्मली ये जूम का मतलब आप नॉर्मली जानते हो कि भाई साइज को बढ़ाना, ठीक है। तो अपन इसको जूम कैसे करेंगे? जैसे अपन ने एमएस वर्ड में किसी कुछ भी कार्य किया या अपन ने जो भी टाइपिंग का कार्य किया, फॉर्मेटिंग का कार्य किया, तो उसको अपन नज़दीक से देखने के लिए या उस पेज को नज़दीक से देखने के लिए अपन जूम पे क्लिक करेंगे। जूम पे भी क्लिक कैसे होगा? जूम कैसे होगा? व्यू मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले व्यू मेन्यू में जाके अपन जूम पे अपने माउस के कर्सर से क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जूम का, जिसके अंदर हमें यहाँ नीचे जूम के परसेंटेज को दियोगे 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, ठीक है। इनमें से अपन जैसे अपन ने 200% पे क्लिक किया तो 200% पर क्लिक करके यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे तो अपने जो पेज की साइज है वो 200% बढ़ जाएगी, फुल एकदम बड़ी हो जाएगी। नॉर्मली अपन वर्क करने के लिए 100% जूम की साइज रखते हैं जो वर्क के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अपन लेते हैं फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन का मतलब आप जान ही गए होंगे कि भाई जो भी अपन ने कार्य किया है उसको मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर देखना, उस पेज को मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए। तो अपन इसको कैसे चालू करेंगे? एडिट मेन्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में जाएंगे और फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। फुल स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ये मॉनिटर की पूरी, ये पेज जो अपन ने एमएस वर्ड में जो भी कार्य किया है वो पूरी मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाएगी। अब इसको हटाने के लिए क्या करें? जैसे ही पूरे फुल स्क्रीन हो जाएगी तो यहाँ छोटा सा ऑप्शन आएगा क्लोज का, फुल स्क्रीन क्लोज, क्लोज दबाते ही ये फुल स्क्रीन हट जाएगी, ठीक है। अब अपने लास्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हेडर एंड ये सबसे व्यू मेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड। तो हेडर एंड फुटर के बारे में थोड़ी कुछ स्टोरी देख लें आप।
किसी कार्यरत पेज पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई दिशा निर्देश निर्देश या परमानेंट मैटर को लिखने के लिए यूज होता है। किसी कार्यरत पेज पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी दिशा निर्देश या परमानेंट मैटर लिखने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज होता है। अब परमानेंट मैटर लिखने के लिए कैसे, जैसे मैंने कोई भी, जैसे ये पेज है पूरा अपना अनसवर्ड का, इस पेज में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगा, हेडर। हेडर हमेशा किसकी तरफ लगता है, ऊपर की तरफ, और फुटर हमेशा कब लगेगा, नीचे की तरफ। हेडर हमेशा ऊपर की तरफ, फुटर हमेशा नीचे की तरफ। अब मैंने हेडर में लिख दिया, कोई भी टाइटल है या किसी भी किताब का नाम है और है, वो मैंने हेडर पे लिख दिया। जैसे कंप्यूटर का अपना है तो कंप्यूटर साइंस जो भी है, ठीक है, तो वो हो गया अपना हेडर। अब ये बात ध्यान रखो, हेडर में अपने हेडर लगाने के बाद वो हेडर अपन वर्ड में जितने पेज लेंगे वो हर पेज पर ऑटोमेटिक हेडर लगा हुआ आएगा। ऐसे ही फुटर है, फुटर में मैंने नीचे कोई भी टाइटल डाल दिया या टाइम वगैरह डाल दिया, थैंक्स लिख के, जैसे मैंने लिख दिया थैंक्स, डेट है, टाइम है, कोई परमानेंट समय है, जो भी है कुछ भी मैंने डाल दिया, वो फुटर में नीचे की तरफ, फुटर हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको समझ में आई बात, हेडर हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, फुटर हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। कोई भी दिशा निर्देश लिखने या कोई परमानेंट मैटर लिखने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ होता है। एक पेज पर अगर अपन ने यूज़ कर लिया हेडर एंड फुटर का, तो आगे अपन जितने भी पेज लेंगे उन पेजों में ऑटोमेटिक हेडर एंड फुटर आ जाएगा। तो ये थी अपने व्यू मैंने की चर्चा, अब इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, नतमल जानकीलाल खेतान कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। NJKCC यूट्यूब चैनल जिस पर आपने फाइल मेनू और एडिट मेनू का प्रैक्टिकल देखा, हमें उम्मीद और पूरा विश्वास कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। आज हम व्यू मेनू का प्रैक्टिकल करते हैं। शुभम सर द्वारा बताई गई थ्योरी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने समझी होगी व्यू मेनू की। आज प्रैक्टिकल व्यू मेनू का देखते हैं, आइए देखते हैं व्यू मेनू। ये वर्ड को चालू करते हैं, एमएस वर्ड को स्टार्ट किया, और ये ऊपर जो मेनू है फाइल मेनू, एडिट मेनू, इसके पश्चात ये व्यू मेनू है। तो हम क्लोज दिखाते हैं आपको, व्यू मेनू को देखा हमने, और इसमें सबसे पहले ये रूलर है, रूलर पर राइट का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब रूलर स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए ये रूलर है, ये स्क्रीन पर आ रही है, जो रूलर है ये दोनों साइड में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इस पर क्लिक करेंगे रूलर चले गई, अब ऑफ हो गई रूलर, रूलर को अगर वापस लेके आना है व्यू में जाएंगे, रूलर पर क्लिक कर देंगे, रूलर वापस आ जाएगी, ये रूलर आ गई। ये स्केल जो बनी हुई है पेज का मेजरमेंट करती है, पेज का निर्धारण करती है। इसके पश्चात रूलर के पश्चात अगला ऑप्शन इसमें है फुल स्क्रीन का, स्क्रीन फुल हो जाएगी, जितने भी मेन्यूज टूल बार आ रहे हैं सारे गायब हो जाएंगे, हमारा वर्क वैसे ही होगा, काम करने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। स्क्रीन को छोटा करना है तो ये क्लोज ऑप्शन है यहाँ नीचे, इस पर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन क्लोज हो गई, वापस से वही एमएस वर्ड की रेगुलर स्क्रीन। इसके पश्चात व्यू में जाएंगे, ये जूम है, यहाँ से भी जूम का यूज़ कर सकते हैं, ये जूम के साइजेस आ गई। इसके अलावा हम यहाँ से भी जूम का यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर ही ऊपर कॉर्नर पर फॉर्मेटिंग टूल बार में ये जूम के साइजेस हैं, 10% से लेकर के 500% तक जूम की साइज है, 10% से एकदम छोटा पेज हो जाएगा, काम तो वैसे ही होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। जो प्रॉपर इसकी साइज़ होती है वो 100% और 150% जो प्रॉपर साइज़ होती है वो होती है जूम की साइज़, स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए। इसके पश्चात एक इम्पॉर्टेंट इसमें ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का, जैसा कि सर ने बताया कि हेडर फुटर का ऐसा ऑप्शन होता है, हम अगर कोई बुक तैयार करते हैं इसी खूब सारे पेज होते हैं तो हम हर पेज पर बुक का नाम, राइटर का नाम, या आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं राइटर के नाम से बिकती हैं, हर पेज पर राइटर का नेम होता है। इसके अलावा पेज नंबर हर पेज पर लगा सकते हैं, एक बार यूज़ करेंगे हर पेज पर आ जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर हेडर होता है, और ये जो स्क्रीन के नीचे है
ये फुट रहा है, ये स्क्रीन के नीचे फुट रहा है। इनके साथ में इसकी टूल बार आ रही है, हेडर फुटर की टूल बार। ये हेडर के लिए हम जैसे स्क्रीन के ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं कोई किताब का नाम, जैसे कंप्यूटर साइंस। इसको छोटा बड़ा सेम वैसे ही कर सकते हैं, सेलेक्ट करके स्क्रीन से साइज इसकी बढ़ा सकते हैं और पेज नंबर लगा सकते हैं। ये टूल बार में जो पहला ऑप्शन है ये पेज नंबर का है, ये पेज नंबर आ गया, इसको भी बढ़ा सकते हैं। और क्लोज कर देंगे तो देखिए हर पेज पर ये कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आएगा, हर पेज पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आएगा। और जैसे पेज नंबर 2 पे जाएंगे हम तो वहाँ कंप्यूटर साइंस 2 आ गया। ये होता है हेडर एंड फुटर। 3 नंबर पे 3 आ जाएगा, ये हेडर फुटर होता है। हर पेज पर इसका यूज़ होता है और हर पेज पर हम इसको लगा सकते हैं। हेडर पेज के ऊपर होता है, फुटर पेज के नीचे होता है। ये है व्यू मेनू।